हाँ स्टार्ट हो गया, फूट लूंगा। देखिए आज का टॉपिक क्या है, हम लोग का बग बाउंटी के ऊपर बताना है। क्या चीज़ के ऊपर? बग बाउंटी के ऊपर। एक मिनट, सबको पहले ज्वाइन हो जाने दीजिए, तुम लोग जल्दी ज्वाइन हो जाओ यार। इसको काट दिया। यार इसमें बेकार चीज़ है, इसमें बार बार एडमिट करना पड़ता है। बग बाउंटी जानते हैं आप लोग? बग बाउंटी क्या होता है? बग बाउंटी के बारे में पता है आप लोग को? सर हेलो सर, किसी भी वेबसाइट या इसमें कोई कमी रहता क्या है, होता है बताइए। मतलब किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट या कोई भी चीज़ में कमी होता है उसकी को निकालना, बग ढूंढना। तो ये चीज़ हुआ बग बाउंटी। मतलब बाउंटी मतलब क्या होता है पहले ये समझाइए हमको। बाउंटी में देखते हैं पैसा मिलना, समझ सकते हैं इसमें। बग ढूंढो फिर बाउंटी मिलेगा। हाँ सर, बाउंटी बोनस से रिलेटेड होता है। नहीं समझे? वही चीज़ है, हाँ। इससे आप पैसा कमा सकते हैं बग बाउंटी से, बहुत बड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं बग बाउंटी से। बहुत लोग कमाते भी हैं बड़े बड़े, आपको पता ही होगा। बहुत बोल का नाम भी सुने होंगे। मैं यार इसको एडमिट का कितना आ जाता है प्रॉब्लम, इसमें एडमिट हो जाने में प्रॉब्लम। टॉप बग बाउंटी हंटर्स देख सकते हैं, टॉप बग बाउंटी हंटर्स का नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अरे किए हैकरोन, आप लोग जानते हैं हैकरोन क्या होता है? हाँ सर, एक वेबसाइट है उसके ऊपर टास्क दिए जाते हैं, ठीक है। यार इसको आशीष, यार तुम लोग समय पे नहीं आओगे यार, इतना प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, उसके ऊपर टास्क दिया जाता है, जितने जो रिपोर्ट करते हैं उसका मतलब एक टाइप से उसका वो दिखाया जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किया, एक पॉइंट मिलता है उनको एक टाइप से। तो टॉप देख सकते हैं टॉप कौन कौन है। आपको बग बाउंटी सीखना है तो आप सबसे पहले, एक सबसे पहला काम क्या है कि जो टॉप पे हैं उनको पहले फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम, जहाँ पे वो रखे हुए हैं, ठीक है। और उनको फॉलो कीजिए, वो डेली मतलब अलग अलग टिप्स डालते रहते हैं कि भाई ये वेबसाइट में इस टाइप से मतलब बग निकला है, इस टाइप से बग निकला है, ठीक है। इस टाइप से आप फॉलो कर सकते हैं, आप भी बग ढूंढ सकते हैं नए नए बग, ठीक है। यही चीज़ है, टॉप देख लीजिए, 100 है टॉप में, और सब नाम लिखा हो आप देख सकते हैं इसके बारे में। लाइक 40 नंबर पे एक और एक मैं उनको जानता हूँ, क्या नाम है उनका 40 नंबर पे, फिलहाल मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी है, ठीक है। तो इस क्लास में आइए, बग बाउंटी थोड़ा सा डेमो रहेगा, बग बाउंटी का प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, सारा कुछ करके दिखाया जाएगा, और बग ढूंढ के भी दिखाया जाएगा सारा कुछ, ठीक है। बस लाइट नहीं कटे, दिक्कत ये है, लाइट कट गया तो पूरा मेरा स्क्रीन कट जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी निकल रहा है ये सारा कुछ बंद हो जाएगा, अब बैकअप भी नहीं रहेगा मेरे पास। प्रॉब्लम ये है, लाइट नहीं करते सर, आ रही है, ठीक है। आवाज़ आ रही है, बस सही से बोल दीजिए सब कुछ, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, सबसे पहले मैं बग बाउंटी स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ पहले ये बता देता हूँ। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट को बग बाउंटी का कोर्स चाहिए था, सीखना था उनके लिए, तो उनके लिए मैं स्टार्ट किया हूँ। ये फ्री कोर्स नहीं रहेगा, आप लोगों के लिए पेड रहेगा, 365 डेज कोर्स में नहीं रहेगा ये बग बाउंटी, वो अलग से आएगा एक कोर्स, ठीक है। जिसका प्राइस मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन करूँगा जरूर, और मैं जल्द ही लाऊँगा इसका भी। थोड़ा सा डेमो के लिए लाया हूँ, इसको पूरा प्रैक्टिकल करके अभी दिखाया जाएगा आपको सारा कुछ। तो बग बाउंटी में बहुत सारा चीज़ होता है, लाइक क्रॉस राइट स्क्रिप्टिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो XSS बोलते हैं उसको हम लोग, तो आप लोग नाम सुने होंगे क्रॉस राइट स्क्रिप्टिंग का, क्या होता है बताइए, आप लोग जो जानते हैं वो बताएंगे। बताइए बैठे हुए, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स आर अ टाइप्स ऑफ इंजेक्शन इन विच मालिशियस स्क्रिप्ट आर इंजेक्टेड टू अदरवाइज बीइंग ट्रस्टेड वेबसाइट। ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता है क्या? एक टाइप से एक स्क्रिप्ट इसमें होता है, इस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट किया जाता है, जो मतलब वनवती वेबसाइट में होता है उसको वनवती के मतलब उसके अंदर मालिशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट किया जाता है, तो ऑटोमेटिक वो एक्सेस से निकल जाता है, एक्सेस अटैक उसको बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इसके ऊपर, पूरा देखेंगे सब कुछ, ठीक है। When an attacker use a web application to send malicious code, generally in the form of ब्राउजर साइड स्क्रिप्ट होता है, ये ब्राउजर साइड स्क्रिप्ट होता है टू डिफरेंट इन यूजर, ठीक है।
follows that allow these attackers should be quiet and while speed and anywhere web application and put there without output generate without validating encoding. सिंपल सा एक टाइप से स्क्रिप्ट होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, उसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं फिर उसके बाद उसका एक्सेस नहीं पता कर सकते हैं. लाइक इसमें बहुत सारा टाइप का होता है, लाइक हम इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस का क्या फ़ायदा हुआ, मतलब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग किसी वेबसाइट में किसी ये एक टाइप से वल्नरेबिलिटी है और किसी वेबसाइट में निकल जाता है उसका इम्पैक्ट क्या होता है. कुकी थिफ्ट होता है, कुकी थिफ्ट क्या होता है सब प्रैक्टिकल करके देखेंगे अभी जस्ट, ठीक है लाइव हम लोग देखेंगे. तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए पूरे लाइव क्लास को. एक घंटा का लाइव क्लास भी नहीं होगा, 30 मिनट का मैं लाइव क्लास रखा हूँ, 5 मिनट ऑलरेडी हो चुका, 25 मिनट्स ऑनली बचा हुआ है. तो याद रखिए कुकी थिफ्ट क्या होता है समझ लेते थोड़ा सा, कि किसी वेबसाइट में हम लोग कोई भी चीज़ फेसबुक लॉगिन करते हैं कोई भी चीज़ लॉगिन करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक सेव हो जाता है कुकीज हम लोग के कंप्यूटर में, ठीक है. लाइक मैं अभी फेसबुक ओपन करूँ क्या, चलिए देख लेता हूँ. तो जैसे मैं फेसबुक ओपन किया लाइक तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ओपन हो गया फिलहाल. तो वैसे कभी कभी ओपन नहीं होता है, लॉगिन आईडी डाला था, ईमेल आईडी और पासवर्ड सेव रहता है, बस लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा लॉगिन हो जाता है. आप लोग के पास हुआ है कभी आज तक ऐसा? तो उस कुकीज उसको बोलते हैं, कुकीज इसके अंदर रहता है सेव रहता है, ब्राउजर के अंदर होता है, हर ब्राउजर के अंदर कुकीज सेव होता है. तो वेबसाइट में जो बड़े बड़े वेबसाइट होते हैं या छोटे भी वेबसाइट होते हैं उसमें भी कुकीज होते हैं बहुत सारे, तो उसमें भी सेव होते हैं कुकीज. तो यही कुकीज़ थिफ्ट होता है, मतलब कुकीज़ को चोरी कर सकते हैं. कुकीज़ को चुरा के क्या कर सकते हैं, वेबसाइट में आईडी पासवर्ड चुरा सकते हैं, वो सब प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग, ठीक है. की लॉगिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, यूआरएल रिडायरेक्शन कर सकते हैं. की लॉगिंग पता ही क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, यूआरएल रिडायरेक्शन क्या होता है, कि आपके वेबसाइट में कुछ बग है, ठीक है, कुछ वल्नरेबिलिटी है, मतलब एक्सेस निकल गया तो आपका यूआरएल को रिडायरेक्शन कर सकते हैं. मतलब कि वेबसाइट आपका ये ओपन होगा लेकिन वेबसाइट को हम लोग किसी और वेबसाइट पर खोल सकते हैं. ये सारा कुछ का प्रैक्टिकल मैं जरूर करके दिखाऊंगा. तो आप समझते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेसेस क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एक्सेस होते हैं. मतलब एक रिफ्लेक्टेड एक्सेस होते हैं, एक स्टोर्ड एक्सेसेस होते हैं, एक डॉम बेस्ड एक्सेसेस होते हैं. आप समझते हैं कैसे क्या है, कैसे काम करता है, प्रैक्टिकल करके हम लोग सब कुछ देखते हैं. लाइक एक वेबसाइट है प्रैक्टिकल, बहुत सारे वेबसाइट हैं प्रैक्टिकल करने के लिए. तो सबसे पहला वेबसाइट का नाम आपको बताता हूं मैं कौन सा है, एक मिनट. यहाँ पे आपका सबसे पहले वेबसाइट का नाम हो गया आपका, एक मिनट, पहला वेबसाइट आपका हो गया वो क्या बोलते हैं उसका, TESTPHPVulnerable.com. हाँ अभी लाइट आ गया, मैं जस्ट फैन ऑन कर रहा हूँ, एक मिनट. चलिए अच्छी बात है लाइट आ गया, अभी जस्ट लाइट आया. यस सर. देख सर चार्जिंग भी स्टार्ट हो गया. हरी तो आवाज आ रही है आप लोग को? हरी सर. हेलो. देखिए इसके बारे में आप जानते हैं, ये मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके दिखाया है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वॉलंटियर एनालाइजर कोर्स में बताया है प्रैक्टिकल करके, ठीक है. आप हम पूरा कुछ समझते हैं एक साथ, पूरा कुछ मिला हुआ है, सारा कुछ मिला हुआ है एक टाइप से. मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या मिला हुआ है, बग बाउंड्री से क्या क्या मिला है, क्यों इथिकल हैकर को सीखना चाहिए बग बाउंड्री. इसमें आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, आप देखते हैं क्या क्या नॉलेज मिलेगा. आप समझते हैं, एक मिनट, स्टोर में हम लोग आ गए. अब हम लोग को नॉलेज क्या क्या मिलेगा आप समझते हैं इसमें. लाइक अभी हम एक मेटास्प्लॉइट को मेटास्प्लॉइट में सिखा रहा हूँ, पता है आप लोगों को ये वाला मेटास्प्लॉइट कर्निंग्स पे बता रहा हूँ, याद है आप लोगों को, जिसमें अभी हम मैं जस्ट पेलोड बनाना सिखाया था कुछ दिन पहले, यहाँ पे इस वीडियो में होगा, देख लीजिए पूरा, देख लीजिए जितने भी डाल दिया मैंने वीडियो अभी तक, मेटास्प्लॉइट फाइल सिस्टम तक आज ही डाला है, ये दोनों मैंने डाला है, देखें आप लोग. बस यही नहीं देखे, यही प्रॉब्लम हो गया. चलिए कोई बात नहीं, इस वीडियो में समझ लेंगे, ये वीडियो जाके पूरा देख लीजिए, इतना बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, ये आप लोगों का फ्री है. अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे इसको कैसे, यहाँ बहुत सारे वेबसाइट मिलता है, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, लाइक टेस्ट वेबसाइट. ये सब क्या है बग, इसमें इस वेबसाइट में क्या है बग है, ठीक है, बहुत सारे बग इसमें डाला हुआ है. इस वेबसाइट टेस्टिंग पर्पज़ पर डाला हुआ है कि कोई भी इसके ऊपर टेस्ट कर सकता है. कोई रियल वेबसाइट पे आप टेस्ट कीजिएगा तो उसमें परमिशन ले ही के टेस्ट कीजिएगा. वैसे मेरा अपना वेबसाइट मैं अपने ऊपर अभी टेस्ट करके दिखाऊंगा और इस पर भी दिखाऊंगा, दोनों पे दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकल करके और हैक करके भी दिखाऊंगा इस सबसे. तो होता है क्या, बहुत सारे टेस्टिंग वेबसाइट है, लाइक गूगल में सर्च कर सकते हैं एक टाइप से आप बग टेस्टिंग वेबसाइट, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको. लाइक यहाँ पे 27 टिप्स टू अवॉइडिंग, बस ये नहीं चाहिए, वल्नरेबिलिटी वेबसाइट लेते हैं, वल्नरेबल वेबसाइट, वल्नर स्पेलिंग गलती है ना, बी एल ई
देख सकते हैं, इसका नाम सुने होंगे, बाप का नाम सुने होंगे, इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल लाऊंगा। एक एक वेबसाइट है बाप, तो गजब वेबसाइट है, इसके ऊपर ही बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाता है लोग सब, मतलब कि टीचर सब। ये बाप नाम सुने होंगे आप इसका, कभी देखे भी होंगे ये चीज़ को, सॉ वे वलवलती आप देखे होंगे इसमें। वाप हो गया, इसका नाम आप हमेशा इसके बारे में जानते होंगे, डमन का बारे में जानते होंगे, दनम वलनेबल का जानते होंगे, अलग से बहुत सारे वेबसाइट हैं। मैं अभी इस पर दिखाऊँगा, फिलहाल इस पर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखिए बाप हो गया पहला नंबर, हैक दिस साइट हो गया, ठीक है। और मेनली मैंने जो फेमस है, फेमस क्या, पहला एक ये फेमस है, दूसरा ये फेमस है, तीसरा मैं बता देता हूँ सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा वेबसाइट है जो हर मतलब इथिकल हैकर सीखते हैं उसी के ऊपर, मैं दिखा देता हूँ उस पर भी। मैं DVWA इसमें नहीं है फिलहाल, उसमें इसका नाम है DVW, क्या नाम बता रहा हूँ, हाँ वही, हाँ यूज़ भी किया है, मालूम है आपको ये वाला दम बनने वाला, पता है आप कभी देखे हैं इसका, समझ में आया कैसे इसमें एक्सेस ढूंढना पड़ता है, कैसे पेलोड बनाते हैं, कैसे मतलब कोई भी चीज़ बना के डालते हैं इसके अंदर और स्क्रिप्ट रन करवाते हैं, पेज इन्फो में जाके पता करते हैं क्या चीज़ है, समझ में आ रहा होगा आपको, सही है, अच्छी बात है, नॉलेज है आपको, कोई दिक्कत, अच्छी बात है। तो यही चीज़ है, तो इसमें हम लोग करेंगे बहुत कुछ, मैंने दिखा दिया इसमें कि कौन सा वेबसाइट है, ये सब टॉप नंबर पे है जिस पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं। अब आ गया होम ऑफ अकाउंटिसिक आर्ट, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ एक्सेस, एक्सेस समझ में आ गया क्या होता है, यहाँ एक होता है रिफ्लेक्टेड एक्सेस, एक स्टोर्ड एक्सेस, एक डॉम बेस्ड एक्सेस। अब कोई वेबसाइट में आपको पता करना है कि उसके वेबसाइट में एक्सेस है कि नहीं, तो हम लोग पहले समझते हैं कि पहला टाइप क्या है, रिफ्लेक्टेड एक्सेस, मतलब रिफ्लेक्ट करता है, आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो समझ लीजिए उसमें एक्सेस है। लाइक हम यहाँ पे गौरव नाम डालते हैं, GAURAV गौरव, ठीक है, इंटर मारते हैं, यहाँ लिख दिया सर्च फॉर गौरव, तो ये गौरव क्या है, रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया तो ये एक्सेस हो सकता है। अब इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं कैसे क्यों है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, कौन कौन है एक बार, चलिए ठीक है कुछ जो भी है, हाँ तो यहाँ पे ये हो गया रिफ्लेक्टेड एक्सेस, ठीक है। आप ये है कि नहीं आपको देखना है तो पता करना है, तो सिंपल सा यहाँ पे आपको इस पेलोड लगा सकते हैं, पहले पेलोड नहीं रहता है, पहले हम लोग देख लेते हैं सब क्या है। स्टोर बेस्ड एक्सेस क्या होता है, स्टोर जो करता है हम लोग डेटा को स्टोर करता है सर्वर में, तो वो क्या स्टोर बेस्ड एक्सेस दिखाते हैं, साइनअप पे करते हैं तो जो भी हम लोग लॉग इन पासवर्ड डालते हैं, ID पासवर्ड, तो वो स्टोर हो जाता है एक जगह। लाइक एक सबसे हेलो डाल दिया पासवर्ड, यहाँ पे हम लोग टेस्ट डालते हैं, टेस्ट, और यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं PASS लॉगिन, यह लॉगिन नहीं हुआ फिलहाल, यहाँ पे साइनअप करना पड़ेगा, यहाँ टेस्ट डाला था पासवर्ड, टेस्ट टेस्ट का टेस्ट ही डालना है, TEST टेस्ट, अब पासवर्ड भी टेस्ट, इंटर, यहाँ लॉगिन हो गया एक टाइप से। अभी देख रहे होंगे यहाँ पे लॉगिन कर, यहाँ पे कुकीज दे दिया, ये ओके करने दिया, मतलब सेव हो गया, लॉग आउट टेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेव हो गया, मतलब ये सेव कर रहा है मेरे चीज़ को, सेव कर रहा है, मैं नाम को कोई भी नाम यहाँ डालता हूँ तो ये क्या कर रहा है, मेरे नाम को सर्वर में अपडेट कर दे रहा है, देख सकते हैं, गौरव क्लिक किया, गौरव अपडेट हो गया, ये सेव कर लिया, मैं लॉग आउट करूँगा बाद में लॉग इन करूँगा तो ये सेव हो जाता है, तो मतलब ये सर्वर वेब हो गया, समझ में आया आप लोग कुछ, इसको सेव कर लिया अपने आप, अपने इन्फॉर्मेशन अपने डेटाबेस में सेव कर लिया, तो ये सर्वर वेब बेस हो गया एक टाइप से, आपका ये हो गया स्टोर बेस, इस टाइप से डोम बेस भी होता है, इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्टेड एसएस का कैसे यूज करते हैं। तो कोई भी रिफ्लेक्टेड एसएस को देखना है तो एक टाइप से लाइक मैं इसको होम पे आ जाता हूँ एक बार, और यहाँ पे लाइक हेलो डाला, सर्च किया, यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, तो अब रिफ्लेक्ट हो गया तो हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई ये सही में मतलब कि पेलोड इस पे काम करता है कि नहीं करता है, मतलब रिफ्लेक्टेड है तो एक सिंपल सा पेलोड बनाते हैं, जो कि सिंपल सा पेलोड का नाम एक टाइप से एग्जांपल यहीं पेलोड बना देते हैं, तो नहीं सर, नहीं सर, यहाँ पे इस टाइप से हम लोग बना देते हैं। लाइक पेलोड बनाने आता है आप लोगों को, क्या होता है पेलोड, कैसे बनता है, हेलो नहीं आता आप लोगों, अच्छा ये पेलोड बना रहे हैं अभी हम, पेलोड बनाना मैं सिखाया हूँ उसमें, पेलोड के बारे में बताया हूँ इस कोर्स में, याद होगा आप लोगों को, मेटास्प्लॉइट में याद है आप लोगों को, पेलोड के बारे में बताया था, एक्सप्लॉइट करना पेलोड डालते हैं, क्या बोले आप देख ही नहीं रहे हैं क्या बोले हम, ए पेलोड बना रहे हैं, एक सिंपल सा पेलोड बना रहे हैं, ALERT, मतलब रिफ्लेक्टेड होगा तो वो पेलोड काम करेगा उस वेबसाइट स्लैश, इसको हम लोग बंद कर देते हैं, स्क्रिप्ट
ठीक है, ये मेरा पेलोड है, ये पेलोड को हम कॉपी करते हैं और इस वेबसाइट के मतलब उस पर चलाते हैं। तो चल गया तो समझ लीजिए मतलब उसका सिस्टम मतलब वल्नरेबल है, मतलब क्रॉस साइट स्क्रिप्ट एक्सेस है। चलिए इसको कॉपी कर दिए, इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट हो गया और गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके यस चल गया, देख सकते हैं वन लिख दिया मतलब वन मतलब चल गया, एग्जिट हो गया मतलब हो गया इसको आप। हम लोग रियल वेबसाइट पे ये काम करता है तो हम लोग क्या करते हैं रिपोर्ट कर देते हैं, रिपोर्ट करते हैं तो हम लोग को जरूर बाउंटी मिलता है एक्सेस कर रहा था तो ओके कर दिया। समझ में आ रहा कैसे किया है, ये चीज़ होता है। लाइक साइनअप में भी आप देख सकते हैं, साइनअप में मैं चलाता हूँ टेस्ट पे गया, लाइक टेस्ट पासवर्ड है तो इसमें भी चेक करना है कि है कि नहीं, तो मान के चलिए सेव कर रहा है तो हम गॉडअप में इसको पेलोड को चलाते हैं, लाइक पेस्ट करते हैं, आप चेक करते हैं कि यहाँ पे चलेगा कि नहीं चलेगा, तो अपडेट करते हैं, चल गया कंप्लीट पेलोड उसके अंदर एग्जिट हो गया, हैक हो जाएगा तुरंत। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, कहीं भी चला लीजिए, पेज इन्फो में कैसे चल रहा है वो उसका पेज इन्फो देख सकते हैं, व्यू पेज इन्फो में जाके आप पढ़ सकते हैं। लाइक मैंने पेलोड किया यहाँ पे सर्च, लाइक यहाँ पे एक मिनट, ये स्क्रिप्ट अलर्ट है ना, यहाँ पे हम लोग कंट्रोल प्लस एफ डालते हैं ALERT, यहाँ देख सकते हैं मेरा पेलोड कैसे काम कर रहा है, लिखा हुआ स्क्रिप्ट पेलोड काम कर रहा है। कभी कभी पेलोड काम नहीं करता तो यूज किया जाता है, उसको भी करना बताऊंगा, ये सब चीज़ एकदम बेसिक से सीखिए ज़्यादा समझ में आएगा, ये तो डेमो क्लास तरफ से समझा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारा है, लाइक और पढ़ लेते हैं इसका, नहीं ये डोम बेस स्टोर बेस में भी करके दिखाई दिया टाइप्स ऑफ एक्सेसेस। अब हम लोग देखते हैं हाउ टू हंट फॉर एक्सेसेस, हंट कैसे करते हैं। अब हम लोग ढूंढते हैं फाइंड इनपुट पैरामीटर, पैरामीटर इनपुट कहाँ पैरामीटर है, तो हम लोग हंट करने के लिए इनपुट पैरामीटर ढूंढे कि भाई ये इनपुट पैरामीटर यहाँ पे कुछ डाल सकते हैं, हम लोग कुछ सर्च कर सकते हैं। सब कुछ सही से चल रहा, आवाज़ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, तो यहाँ पे इनपुट पैरामीटर ढूंढ लिए हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे गिव एनी इनपुट देयर, हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं यहाँ पे गिव, जैसे यहाँ पे बताया है सब कुछ इजी वे में समझा रहे हैं। लाइक हेलो डाला, सर्च किया, हेलो यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, देयर इज इफ़ योर इनपुट इज रिफ्लेक्ट या स्टोर होगा एनी वेयर मे बी एक्सेस, ये मे हो सकता है कि एक्सेस हो। समझ में आ रहा है क्या है, आप कोई भी वेबसाइट में जाइए, लाइक हम चले गए किसके कोई वेबसाइट का नाम बताइए जो आप रिसेंट में देखता हूँ उसमें है कि नहीं, बोलिए नाम बताइए। हेलो, कोई वेबसाइट का नाम बताइए सर, bharataacharya.com, gaana.com सर, gogoanime.com क्या आवाज आ रही है, bharataacharya.com gaana.com। चलिए वुडलैंड करते हैं, जो भी वुडलैंड पे हम किए हैं बहुत बार, वुडलैंड आपका वही कर देंगे, आप मैसेज कीजिए हम कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है वेबसाइट का लिंक भेजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है इसमें, फाइंड इनपुट पैरामीटर, अपना पहले इनपुट पैरामीटर ढूंढिए कहाँ इनपुट पैरामीटर, चलिए ये इनपुट पैरामीटर हमको दिख गया। आप देखना है गिव एनी इनपुट देयर एंड इनपुट रिफ्लेक्ट करेगा, जब रिफ्लेक्ट करेगा तो समझ लीजिए स्टोर रिफ्लेक्ट या स्टोर करेगा एनी वेयर डेट मे बी एक्सेसेस। तो यहाँ पे हम अपना नाम डालते हैं, लाइक तो GAURAVI गौरव डाले सर्च इंटर मारे, तो यहाँ पे मेरा इनपुट देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है कहीं पे, यहाँ पे कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पे मेरा इनपुट पूरा रिफ्लेक्ट नहीं किया, सर्च प्रोडक्ट फॉर गौरव, अब मान के चलिए यहाँ पेज उन पे इन्फो पे गया और यहाँ पे देखते हैं मेरा इनपुट रिफ्लेक्ट किया कि नहीं किया, GAURAVI गौरव, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, कहाँ पे किया, सर्च प्रोडक्ट फॉर गौरव। अब इसमें हम लोग ये एक्सेस हो सकता है, अब इसको करने के लिए थोड़ा सा आपको एडवांस जानना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल भी समझ में नहीं आएगा आपको, इसको फिलहाल ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है इस टाइप से ढूंढ सकते हैं, ये सारा कुछ इसमें कर सकते हैं। और इसमें और कहा है, ट्राई टू एग्जीक्यूट एनी जावास्क्रिप्ट कोड, आपको पता है कोई भी HTML मतलब कि HTML फाइल मतलब कमांड यूज करता है जावास्क्रिप्ट को रन करता है, को पता ही होगा ये चीज़, तो देयर इफ़ यू सक्सेस एंड एग्जीक्यूट एनी जावास्क्रिप्ट देयर देन बी एक्सेसेस, जब जावास्क्रिप्ट कोई भी जावास्क्रिप्ट मतलब एक तरफ से स्क्रिप्ट बनाइए मतलब पेलोड बना के इसको एग्जीक्यूट कराने का कोशिश कीजिए, वो जैसे वो एग्जीक्यूट हो गया समझ लीजिए वो एक्सेसेस हो गया, तो एक्सप्लॉइटेशन फॉर एक्सेसेस ढूंढ सकते हैं, इसका एक्सप्लॉइट ढूंढ सकते हैं, जैसे मैंने बताया था यहाँ इस क्लास में एक्सप्लॉइट ढूंढना बताया, यहाँ पे जस्ट कहाँ गया ये रहा एक्सप्लॉइट, हाउ टू यूज एक्सप्लॉइट 14 मिनट का वीडियो है देख सकते हैं यहाँ पे जाके, सारा कुछ बता दिया यहाँ पे।
इस तरह से ढूंढ सकते हैं, बेसिक एक्सेस समझ सकते हैं, बेसिक एक्सेस कैसे ढूंढ सकते हैं, फाइंड सम कम कॉमन पेज सच सच कॉन्टैक्ट अस देख सकते हैं, इसका कॉन्टैक्ट है मान के चलिए वन लेवल पेज है, इसमें कॉन्टैक्ट ढूंढिए कॉन्टैक्ट कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर मतलब कि आप अपना पैरामीटर मतलब पैरामीटर सॉरी ढूंढ सकते हैं जहाँ पे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं पैरामीटर्स, ठीक है, लाइक सम कॉमन पेज देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट देख सकते हैं, सर्च बार देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, फॉर्म्स में डाल सकते हैं, साइनअप में डाल सकते हैं, मैंने साइनअप में करके दिखा दिया, लॉगिन पेज में भी करके दिखा दिया, इस टाइप से पैरामीटर ढूंढ सकते हैं। फाइन इनटू इनपुट पैरामीटर जहाँ पे अपना पैरामीटर ढूंढ के डालिए, गिव एनी इनपुट देयर, इफ योर इनपुट रिफ्लेक्ट बैक दे ट्राई टू इंजेक्ट एनी जावास्क्रिप्ट देयर, जो मैंने पेलोड बनाया था यहाँ पे जस्ट ये वाला पेलोड, बहुत सारे पेलोड होते हैं, मेरे पास पेलोड का टाइप दिखा देता है कितने सारे पेलोड है, सब सीखेंगे एक एक पेलोड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ इस पेलोड के बारे में, ये देख सकते हैं कितने सारे पेलोड, 100 से ऊपर मेरे पेलोड है, लाइक यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे पेलोड हैं, ऑन माउस पेलोड है, यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट वाला पेलोड बहुत सारे, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट पेलोड है, लाइक स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट पेलोड, स्क्रिप्ट स्टाइल फ्लेवर इफ फ्रेम, इतने सारे पेलोड है, इमेज के पेलोड है, जो अभी मैंने जस्ट स्मॉल वाला यूज किया, SVG का पेलोड है मेरे पास, और अभी जो मैं जस्ट यूज किया था सिंपल वाला, तो यही रहा सिंपल वाला, कहाँ गया भैया ये वाला सिंपल वाला पेलोड जो अभी यूज किया था, ये वाला एक ही स्क्रिप्ट यूज किया था, इसमें से हर स्क्रिप्ट यूज कीजिएगा अपना अलग अलग काम होता है, मतलब हर स्क्रिप्ट का अपना अलग काम है, हर स्क्रिप्ट को यूज करना पड़ेगा एक ही स्क्रिप्ट, जैसे आपको पेज इन्फो में नॉलेज मिला, जैसे यहाँ पे पेज इन्फो में अलग नॉलेज मिला, पेज इन्फो में यहाँ पर गौरव में यहाँ लिखा सर्च है, तो इसके लिए अलग स्क्रिप्ट का मतलब अलग पेलोड यूज होगा तो ये एग्जिट होगा, तो वन लेवल होगा तो ही काम करेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, वही चेक करते हैं हम लोग कि रन हुआ कि नहीं हुआ, तो इसे एक एक के पर ऊपर पढ़ना पड़ेगा, हम लोग को समझना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, तो मैं कर दिया फिलहाल, तो इस टाइप से यहाँ पे एक देख लिए, और देखते हैं हाउ टू हंट ए फॉर एक्सेसेस, कैसे हंट करना है, यस सर, फाइंड इनपुट पैरामीटर गिवन, ये तो हो गया, हम लोग का बेसिक एक्सेस पढ़ लिए हम लोग, ठीक है, ये चार बनाया था मैंने, 1 2 3 4 5, आप लोग को समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूँ, तो यही सोचा मैंने इसके ऊपर कोर्स लाऊंगा, ठीक है, लेकिन और कुछ बताता हूँ फिलहाल, आप मान के चलिए इतने सारे पेलोड है, तो इतने सारे पेलोड तो इसके ऊपर हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते ना, खुद सोचिए इतने सारे पेलोड कैसे टेस्ट करेंगे, बट तो बहुत हार्ड है टेस्ट करना, तो उसके लिए हम लोग ब्रब सूट का यूज करते हैं, टूल है सर, एक उसके लिए पेलोड वगैरह को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको पहले मीटिंग में गए, ब्रब सूट के बारे में पता है आप लोगों को क्या होता है, यूज किए हैं आप, देखिए ब्रब सूट में कुछ कम्यूट, पहला एक कम्युनिटी वर्जन है, तो इसमें सिंपल सा यूज कर सकते हैं, फ्री वर्जन है, लेकिन कम्युनिटी वर्जन से हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, कुछ ज़्यादा फीचर इसमें नहीं मिलता है, तो हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते सही से, मतलब इसमें नहीं हो पाता है, काम नहीं करता है, एक मिनट भाई कितना आते हैं नीतीश, दूसरा प्रोफेशनल है, तीसरा इंटरप्राइजेज है, तो हम लोग प्रोफेशनल यूज करेंगे, प्रोफेशनल का प्राइस देख सकते हैं 400 पर यूजर पर ईयर है, तो लगभग 28,000 पर ईयर है, तो मैंने तो इसको जैसे क्रैक मैंने डाउनलोड किया था, क्रैक डाउनलोड नहीं करना चाहिए, तभी मैंने क्रैक डाउनलोड किया है इसका, तो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे इसको यूज करके दिखाता हूँ कैसे क्या काम करता है सब कुछ, तो रेडी है आप लोग देखने के लिए, एक मिनट लाइन पर रहिए आप लोग, मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसका यूज, लाइक ब्रब सूट को मैं यूज करके दिखाता हूँ, एक मिनट, अच्छा आप देखिएगा जस्ट, दिखा आप लोगों, दिख रहा है ना आप लोगों को, तो लाइव हम लोग कौन कौन देख रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ कि नाम एक बार पढ़ लेता हूँ, अंडरटेक यूनिट आदित्य आशीष भूलेश्वर डिवाई अंडर नितेश राहुल सूरज पराग शर्मा चलिए सही है दिव्या आनंद, चलिए आप देखते हैं मेरा ब्रब सूट यहाँ पे डाल दिया मैंने इसको, ओके तो ये क्रैक वर्जन है, लोडेड फाइल को यूज करना पड़ता है, तो उसको हम क्रैक वर्जन को ओपन करते हैं, तो कैसे काम करता है मैं सिखा दूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए फिर क्रैक वर्जन ऐसा कोई भी निकाल सकता है, डॉटेक यूनिट का निकालता हूँ एक मिनट, लाइक इसको भी निकालने के लिए आपको अलग अलग लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस फिर एक्टिवेशन ही कोई फिर एक्टिवेशन प्रोसेस चाहिए, तो ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी कर लिया सब कुछ, तो ये कीजन से आपको होता है, पता है कीजन क्या होता है, टाइप से रियल लाइसेंस बाई होता है ब्रब सूट का, प्रोफेशनल लेवल का देख सकते हैं पढ़ लीजिए,
अब तो आवाज बड़ा हुआ है, वायरस में दिखा रहा है, होप उड़ाए नहीं क्योंकि मैंने अभी एंटीवायरस को डिसेबल नहीं किया है, उम्मीद है उड़ाए नहीं। चार्ज दो है। यस सर। ये आगे हम लोग का नेक्स्ट करेंगे, वो फिर स्टार्ट बड़ा शुरू ओपन हो जाएगा, इसको लोग काट देते हैं। लीली अदरते क्यों नहीं, प्रोफेशनल लेवल का है जो मैंने बोला था पेड़ वाला, यहाँ पे ये वाला प्रोफेशनल। यस सर। है ना, तो ये ओपन हो रहा है प्रोफेशनल। yes, इसको हम काट देते हैं। अब हम समझते थोड़ा सा इसका भी यूज करके देखते हैं। लाइक मेरे इसको थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ता है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम सेटिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे हम कोई भी चीज़ में, जैसे मोजिला में यहाँ पे सेटिंग करता हूँ मैं, मोजिला फायरफॉक्स में। तो मोजिला फायरफॉक्स में ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको पता ही कन्फिगर करना पड़ता है जाके अपने सेटिंग में जाके, गूगल पे जाके। तो कन्फिगर करना मैं आपसे कोर्स खरीद लीजिएगा तो मैं सारा कुछ बता ही दूंगा। फिलहाल वैसे तो अभी बताऊंगा नहीं, अभी तो बस यूज करके दिखाऊंगा कैसे काम करते हैं। तो डैशबोर्ड में जाते हैं, लाइक इसमें प्रॉक्सी इसको इंटरसेप्ट ऑन को ऑफ कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे मोजिला में जाते हैं, वही वाला वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, वनलेबल वेबसाइट को टेस्ट बोर्ड, ये वाला। इसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं, अब मान के चलिए इसको हमको देखना है कितने सारे वल्नरेबल है, मतलब पैरामीटर डालने का ये जो पेज है, इसको हम लोग तो अकेले ढूंढ नहीं सकते कि कहाँ कहाँ मतलब पैरामीटर रहेगा, कहाँ पे कमेंट बॉक्स है, कहाँ पे मतलब डालेगा, अकेले तो ढूंढ नहीं सकते हैं। तो वही काम करता है ब्रबसूट यूजी वे कर देता है। इंटरसेप्ट ऑन करेंगे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। और फिर इसके बाद इसमें आ गया, यहाँ पे हम लोग क्राउल कर लेते हैं, बहुत ईजी है करना, स्कैन पे करेंगे, क्राउल करने के बाद स्कैन पे करते हैं इसको क्लिक, ओके करेंगे, फिर हम लोग चले जाते हैं इसको इंटरसेप्ट ऑफ करेंगे, टारगेट में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग का वेबसाइट आ जाएगा टेस्ट वल्नरेबल। इसको हम लोग फिर से स्कैन पे करेंगे, क्लिक क्राउल करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स वेबसाइट करेंगे दिखने लगे, स्टार्ट कर देंगे। एक मिनट बस दिखेगा, यहाँ देख सकते स्टार्ट हो रहा है, पैरामीटर ढूंढ आ रहा है टेस्ट डॉट वल्नरेबल डॉट कॉम का, जितने भी पैरामीटर्स होंगे ढूंढना है सर। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम साइड है, एक मिनट, तो लाइव देख, या जैसे दो पैरामीटर आ गया, तो इसको पैरामीटर को डबल क्लिक कीजिए, ऊपर चला जाएगा पैरामीटर का लाइन। तो और मैं ऊपर जाता हूँ, तो वेट कीजिए थोड़ा सा, ये स्कैनिंग हो रहा है प्रोसेस, स्कैन हो जाएगा फिर उसका लाइव दिखाने में ही होता है, समय लगता है लाइव दिखाने में। आज मैं लाइव ही ला ही दिया आप लोगों को, यहाँ देख सकते सर पैरामीटर है, तो पैरामीटर पहले इसको स्कैन कंप्लीट होने दीजिए, फिर देखते हैं आगे, वेट कीजिए थोड़ा सा। लाइव मैं दिखाता हूँ कैसे वेबसाइट को हैक करते हैं, कैसे स्कैन करते हैं, सारा कुछ करते हैं, अपने वेबसाइट पे भी करके दिखाऊंगा अभी जस्ट मैं, ठीक है। सब कुछ सही से दिख रहा है आप लोग को? सूरज चलिए ठीक है। पारम्स है, यहाँ पे पारम्स पर क्लिक कीजिए, यहाँ देख सकते हैं यह लिखा हुआ टेस्ट पी एच पी वल्नरेबल डॉट कॉम, यहाँ पारम्स दिख रहा है, मतलब पैरा दिख रहा है यहाँ पे। और मैं अपने वेबसाइट पे करूँगा नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने सब कुछ हाइड कर दिया, क्योंकि कोई मेरा वो नहीं कर पाया हैक, मतलब कुछ भी वेबसाइट में ढूंढ नहीं पाया। तो सबसे पहला पारम्स पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लाइक पोस्ट सर्च फॉर इतना लिखा हुआ है बटन गो, कितने सारे पारम्स है, आप कोई पारम्स बता सकते हैं, तो चूज कीजिए इसमें से कौन उठाऊँ, बताओ आप ही लोग चूज कीजिए किस कौन सा उठाऊँ, किस में चेक करूँ वल्नरेबल है कि नहीं सर, बताइए। पहला नंबर उठाऊँ, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, छोटा नंबर, पांचवा नंबर, छह नंबर, जो बोलिए उठा देंगे, जल्दी बोलिए। तीसरा नंबर, चलिए ठीक है, ये गेट वाला ना, ये वाला ना, कैट नंबर है पैरम्स इसमें, तो सेंड टू हम लोग क्या करते हैं रिपीटर करेंगे स्पीड में, ये सब समझ में आपको नहीं आएगा फिलहाल जब मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे वन नंबर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे लाइक हेलो देखते हैं, हेलो डाल के कि हेलो रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं करता है, जो मैंने बताया था, तो हेलो पे क्लिक किया, सेंड रिक्वेस्ट किया, अब इसको कैट को करेगा, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे नीचे में, आप लोग को देख रहे हैं कि हेलो रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं करता है, तो रिफ्लेक्ट कर गया तो समझ लीजिए तो वायरस मतलब कि इसमें ये एक्सेस हो सकता है, तो हेलो में रिफ्लेक्ट कर गया, तो चलिए आप रिफ्लेक्ट कर गया था, हम लोग इसको करते हैं इंट्रूडर में भेजते हैं। इंट्रूडर में भेजने के बाद अब मान के चलिए बहुत सारे यहाँ पे आ गया वेबसाइट का नाम, पोजीशन पे क्लिक करते हैं, हेलो रिफ्लेक्ट में सब कुछ सही है, स्नाइपर ऑन है, पेलोड पे जाते हैं। अब मान के चलिए बहुत सारा पेलोड डाल सकते हैं, बहुत कुछ भी हो सकता है वल्नरेबल, तो हम लोग एक एक पेलोड डालेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो इसको सबसे अच्छा पूरा पेलोड को एक साथ पूरा डाल दीजिए, तो आपको चुटकी में हो जाएगा, सब काम कर देगा, एक एक पेलोड को हम लोग को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, या एक्सेस लॉक किया पूरा पेलोड यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है।
और यहाँ पे सिंपल सा स्टार्ट अटैक पे क्लिक कर देंगे तो जितने भी 109 पेलोड है यहाँ देख सकते हैं 109 पेलोड पूरा एक टाइप से वो कर रहे हैं अटैक कर रहे हैं इसके ऊपर देख रहे हैं कितने स्पीड में अटैक कर रहे हैं लाइक ट्राई कर रहे हैं उसको हैक करने का मतलब कि स्क्रिप्ट रन कर रहा है कि नहीं कर रहा जावा स्क्रिप्ट रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो वो सामने देख रहे हैं प्रैक्टिकल सब कुछ आप लोग के सामने कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए यहाँ पे होने दीजिए तो हो गया 109 फिनिश हो गया। अब हम लोग देखते हैं कौन सा पैरामीटर सबसे कम था 5054 काम किया ठीक है लेंथ मतलब जो जो मतलब कि अपने मेरे वेबसाइट का सबसे कम लेंथ है मतलब कि जो सिंपल लेंथ है 505 और इससे ज़्यादा होगा तो ये हैक होगा लाइक सबसे पहले 5-4 मतलब सेकंड नंबर का मेरा स्क्रिप्ट काम किया जावा स्क्रिप्ट का। चलिए देखते हैं इसको हम लोग काम हो रहा कि नहीं कर रहा सो इन ब्राउजर करते हैं हम लोग रिस्पॉन्ड सो रिस्पॉन्ड इन ब्राउजर ब्राउजर ने कॉपी की इसको और हम लोग रिस्पॉन्स चेक करते हैं कि सही में ये मतलब कि कुछ निकला कि नहीं निकला लाइक पेस्ट करते हैं इंटर मारते हैं तो वेट फॉर सम टाइम सो रिस्पॉन्स पिक्सआर्ट ये वर्क नहीं किया कुछ प्रॉब्लम शायद दिख रहा है ईरर एसक्यूएल इंजेक्शन है तो पहला काम नहीं किया तो हम लोग दूसरे में चलते हैं या 5240 है ना तो दूसरा हम लोग देखते हैं सो इन रिस्पॉन्स इन ब्राउजर कॉपी किया इसको हम लोग सिंपल सा ब्राउजर में दूसरे कॉबलिंग को पेस्ट कर दिया होप हो जाए ये भी काम नहीं किया कोई बात नहीं तीसरा देखते हैं इसी टाइप से मतलब उसमें मतलब नहीं है उस स्क्रिप्ट में नहीं है तो इसमें हम लोग करेंगे सो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर लाइक यहाँ पे सो रिस्पॉन्स इन बहुत एक एक चीज़ को चेक करना पड़ेगा टाइम लगता है कोई भी वेबसाइट को हैक करने में वल्नरेबल या कुछ भी तो फिलहाल ये काम नहीं कर रहा है तो फिलहाल हम लोग 10 चेक करते हैं फिलहाल मैं बचे अभी लाइव में 3-10 तो चेक नहीं कराऊंगा इसको मैं काट देता हूँ ठीक है 10 मैं नहीं चेक करूँगा फिलहाल इसमें पहले कोई लोग आए कुछ स्टूडेंट आए इसको एडमिट कर लेते हैं तो हम लोग चलिए दूसरे वेबसाइट में दूसरे चलते हैं दूसरे चीज़ में एक टाइप से आपका दो तीसरा नंबर था हम तीसरा नंबर को आप चेक नहीं करते अब हम क्या चीज़ को चेक करते हैं पहला नंबर चेक करते हैं ठीक है तो सेंड टू रिपीटर रिपीट में गया मेरा लाइक इसमें मेरा दो है सर्च फोर तीन गो इसमें है आपको देख सकते हैं तो लाइक यहाँ पे तीन गो है तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या है यहाँ पे हम लोग इसको हेलो वन डाल देते हैं हेलो वन यहाँ पे हेलो टू हेलो थ्री अब देखते हैं कौन सा मतलब कि वल्नरेबल है चेक करते हैं आ गया यहाँ पे हेलो देखते हैं डाल के एच ई डबल हेलो हेलो टू है ना देख सकते हैं आप लोग पढ़ लीजिए हेलो टू हेलो वन नहीं आया तो चलिए हेलो टू को हम लोग रिपीटर में डालते हैं मतलब कि इंडिकेटर में अब हेलो टू में चेक करते हैं पोजीशन कहाँ पे हेलो टू है तो क्लियर कर देंगे हेलो टू को पोजीशन में करेंगे इसको टारगेट करते हैं ऐड करते हैं सिंपल सा पेलोड पे क्लिक करते हैं लोड करते हैं पेलोड को लोड करेंगे फिर उसको अटैक पे क्लिक कर देंगे ठीक है यहाँ पे जितने भी जा रहे हैं सब लोकल होस्ट पे जो हो रहा है सब कुछ ठीक है यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा आ जाए तो मज़ा आएगा इसमें और क्रैक हो गया तो आवाज़ आ रही है आप लोगों को सब कुछ सही से देखिए बहुत कुछ इसमें बहुत पढ़ना है बहुत सारे एसक्यूएल के अटैक है बहुत सारे अटैक है इसमें बहुत कुछ पढ़ना है आप लोगों फिलहाल तो हाँ जी ये तो छोटा मोटा चीज़ है यस सर ये पहला स्क्रिप्ट देखते चलेगा कि नहीं चलेगा स्क्रिप्ट है सेंड टू सेंड रिस्पॉन्स सो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर कॉपी किए ब्राउजर मेरा कहाँ भैया यहाँ है ब्राउजर में चेक किया लेट्स डू इट यस काम कर गया आप लोग के सामने हेलो काम करा देख लीजिए स्क्रिप्ट रन हो गया जावा स्क्रिप्ट पहला रन हो गया सर सेकंड नंबर देखते हैं स्क्रिप्ट रन होता है कि नहीं होता है मतलब वल्नरेबल है पैसा ले सकते हैं लूट सकते हैं मतलब बाउंटी ले सकते हैं क्या सो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर कॉपी और सिंपल सा इसमें मोजिला में गया और यहाँ पे पेस्ट किया सेकंड स्क्रिप्ट हर टाइप से वल्नरेबल लग गया ये भी निकल गया ठीक है तो इस टाइप से कर सकते हैं आप मान के चलिए मेरा वेबसाइट डॉट एक यूनिक तो अब इसमें देखते हैं कि देख सकते हैं ये वल्नरेबल वेबसाइट पे पैरामीटर कौन कितने सारे ऑन है टारगेट में क्या देख सकते हैं पैरम्स कितने सारे कितने लंबे लंबे कितने सारे पैरम्स आ गया है ना टिक मारा हुआ यहाँ पे देख लीजिए और मैं अपना वेबसाइट पे देखता हूँ पैरम्स है कि नहीं तो सिंपल से यहाँ पे क्लिक करते हैं इसको पहले क्लियर कर देते हैं इस वेबसाइट को लेट आने वाले ऑनलाइन पार्टी देंगे भैया कौन आया आप देख रहे हैं अभी अभी सब ज्वाइन हो रहे हैं इतने लेट से क्या बोलूँ मैं इन लोगों को तो इस पैरम्स को हम लोग क्लियर करते हैं डिलीट हाउस करते हैं यहाँ से यस किए क्या बोले
हाँ मिस हो गया उनका, सिंपल सा बात है। चलिए मैं अपना वेबसाइट ओपन किया था टेक यूनिक, वेट कीजिए थोड़ा सा ओपन करने, इसके ऊपर देख चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या पैरेंट्स ओपन है, क्या वल्नरेबल है कि नहीं, जो मेरा वेबसाइट देखते हैं। इसमें कहीं से आपको सर्च बार नहीं मिलेगा, कहीं डालने का कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा, देख लीजिए नहीं ना कहीं भी कोई भी चीज़। चलिए मैं दिखाता हूँ चेक करके, यहाँ पे इसको फिलहाल फायरफॉक्स ऑन है, इसको ब्रॉडशूट को हम लोग यहाँ पे एक टाइप से टारगेट में जाते हैं, सॉरी प्रॉक्सी में जाते हैं, इंटरसेप्ट ऑन करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स में आके इसको रिफ्रेश मारते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग इसको स्कैन पे पकड़ेंगे, क्लिक क्राउल करेंगे, ओके करेंगे, ओके करने के इंटरसेप्ट ऑफ करेंगे। इंटरसेप्ट का बहुत काम है, ठीक है। टारगेट देख सकते, येलो हो गया टारगेट हम लोग का, टारगेट डॉट टेक यूनिक कहाँ ये रहा, इसमें हम लोग पैटर्न ढूंढना है, तो सिंपल सा डॉट टेक यूनिक पे स्कैन पे क्लिक कीजिएगा, क्राउल कीजिएगा, क्राउल मतलब पूरे वेबसाइट को क्राउल करता है, कहाँ क्या क्या है पैटर्न ढूंढना क्या है क्या नहीं सब कुछ दिखा देगा पूरे वेबसाइट को। तो वेट कीजिए थोड़ा सा समय लगेगा आपको, इंटरनेट का इंटरनेट स्लो चल रहा है। नीचे देख सकते क्या क्या दिया हुआ है, बहुत कुछ सारे डिटेल्स में बताऊंगा आपको, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है इसमें तो समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पे तो आ नहीं रहा है कुछ, सर आपकी साइट का नाम क्या है? राहुल, मैं पूछ रहा था आपकी साइट का नाम क्या है जिस पे आप चेक करते हैं। देखिए पैरम्स आया, कुछ आया, कम आया, छोटा बहुत आया। राहुल लाइक पहला ही पैरम्स ओपन करते हैं, लाइक ये वाला मेरे को तीन चार दिन हो गए, सारे पैरम्स दो दिन हुए, दो तीन दिन कम पैरम्स आया, बहुत कम आया ना पैरम्स मेरे वेबसाइट में, तो पहला ही पैरम्स देखते हैं इसमें। सर आपकी साइट का नाम क्या है? ठीक है, कौन बोले क्या आपकी साइट का नाम क्या है? नाम क्या है आपका? आपकी साइट, आपका नाम क्या है? कब ज्वाइन किए? डॉट टेक यूनिक गूगल पर सर्च कीजिए, डॉट टेक यूनिक जिस जो ऐप है पहला साइट वही है। तो यहाँ पे हम लोग अपने वेबसाइट को ट्रैक करके देखते हैं क्या है क्या नहीं, टाइम पास सेंड टू रिपीटर करके इंटूटर करें बोलिए आप, रिपीटर करते हैं हम लोग। कौन सा स्ट्रीम मेरा खुला हुआ है, स्ट्रीम कौन सा था टारगेट में मेरा, गेट एस था ना, रिपीटर में गई भैया एस के लाइक देखते हैं यहाँ पे मेरा रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं करता है मेरा, गो किए यहाँ पे हेलो डाल के, बहुत ईजी है बस नॉलेज होना चाहिए, हार्ड भी है वेबसाइट में करने में। यहाँ पे आया हेलो डालते हैं एच ई डब्ल हेलो, हेलो रिफ्लेक्ट किया देख सकते हैं, तीन तीन जगह हेलो रिफ्लेक्ट किया। चलिए देखते हैं ट्राई करते हैं इसके ऊपर काम करके, इंट्रूडर इंट्रूडर में गए, सिंपल सा पोजीशन डाला हुआ स्नाइपर में ऐड है, पेलोड बताया था, पेलोड क्या होता है, पेलोड के बारे में बताया था याद है आप लोगों को, आज ही क्लास में बताया है पेलोड क्या होता है। कुछ हेलो डाल दिया यहाँ पे स्टार्ट अटैकर, ये वेट कीजिए थोड़ा सा। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ पेलोड के बारे में, आज जस्ट बताया आप लोग को पता नहीं है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आप पेलोड के बारे में मैंने आज बताया, कौन सी वीडियो बताया था याद नहीं आ रहा है, एक्सप्लॉइट क्या होता है, पेलोड क्या होता है यहाँ पे मैंने बताया था, एक मिनट दिखा रहा हूँ आप लोग को। और डॉट टेक यूनिक कोर्स खोला मैंने, नहीं जो नहीं देखा उनको भी दिखा देता हूँ, मेटास्प्लॉइट खोले तो ये कुछ मेटास्प्लॉइट का वीडियो है, एरा मेटास्प्लॉइट का वो चीज़ जो आज पेलोड के बारे में बताया, पेलोड क्या होता है सब कुछ बताया इसमें। मेटास्प्लॉइट ओपन किया यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में बताया, एक्सप्लॉइट हो गया, ऑजुलरी हो गया, पोस्ट हो गया, पेलोड यहाँ लिखा हुआ पेलोड्स, इनकोडर स्नॉप्स, एक्सप्लॉइट के बारे में बताया, ऑजुलरी के पूरा अच्छा से पूरा अच्छा तरीके से बताया इसमें, ठीक है डिटेल्स में। पेलोड के बारे में बताया क्या होता है, पेलोड क्या होता है, एक सिंपल टर्म्स होता है जहाँ पे इंटरेक्ट करने का सिस्टम और जो हैक हो जाता है सिस्टम उसका इंटरेक्ट करने का कनेक्शन बनाता है कि वहाँ से इंटरेक्ट कर सकते हैं, सेल बना सकता है जहाँ से सिस्टम को इंटरेक्ट कर सकते हैं, सिंपल सा नॉलेज में समझ में आइएगा, समझिए देखिए वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से बताया है उसमें, ठीक है। चलिए हम लोग अपना देखते हैं मेरा क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, तो मेरा स्क्रिप्ट ये मेरा नहीं है इसको काटिए, मेरा ये रहा, तो मेरा देख लीजिए मेरा 00 होस्ट कितना है, 0 मेरा है, यहाँ पर लेंथ पे क्लिक करेंगे तो 0 मेरा 585 है, उसके बड़ा होना चाहिए कोई भी चीज़ है, तो मेरा सब सबसे नीचे है, मतलब मेरा वल्नरेबल वेबसाइट है ही नहीं, ठीक है मेरा वल्नरेबल वेबसाइट है ही नहीं, कोई स्क्रिप्ट काम नहीं करेगा मेरे वेबसाइट पर।
क्योंकि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं काम करेगा। जो जीरो होता है, जीरो क्या होता है, आपके वेबसाइट में बिना पेलोड डाले जो मतलब स्क्रिप्ट डाला रहता है वो मतलब कि रहता है। तो मेरे में 58,000 है तो काम नहीं, और मेरा जो पेलोड डालने का सबसे कम ही हो गया है, सब चीज़ देख सकता 18,000 हो गया, तो 100% काम नहीं करेगा, सिंपल सा बात है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो उस पहले वाला केस में था कि ज़्यादा था, याद होगा आप लोग को, तो इस टाइप से ढूंढ सकते हैं। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए इसमें, ठीक है। और DBW आपको पता होगा जो यूज करते हैं, तो इसमें भी वही यही सब चीज़ है, सिंपल सा है। अब बहुत सारे कमांड भी आते हैं लाइक एजेक्स डेमो वगैरह, बहुत कुछ है यहाँ पे भी लाइक चेक कर सकते हैं। एजेक्स डेमो पे गया, यहाँ पे रिस्पॉन्ड डाली है तो रिस्पॉन्ड क्या आएगा देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत सारे वेबसाइट आते हैं रिस्पॉन्ड चेक करने वाले, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे क्या चीज़ दिखाऊँ आपको, हमें PHP स्कैनर, कहाँ गया ऑप्शन था ना एक, होम पे गया, ये रहा HTTP पैरामीटर पॉल्यूशंस HTTP चेक नंबर 1 PP2 PPP में हम लोग अपना अपना रैच वो चलाते हैं, क्या चलाते हैं हम लोग अपना स्क्रिप्ट चलाते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है, रन हो गया, बहुत कुछ है देख सकते हैं कैसे रन हो गया, सबमिट टू कैसे काम कर रहा है सब कुछ, यहाँ पीपी में अपना स्क्रिप्ट चलाइए चलेगा, फिर से रन हो जाएगा, ठीक है। जो भी है सेलेक्ट स्क्रिप्ट वही चीज़ है, सिंपल है, चलाइए सब बन जाएगा, ठीक है। लाइक ALERT अलर्ट स्लैश 1 जो भी है, तो समझ में आ रहा होगा होप। चलिए आप इसको बंद करते हैं, बहुत वीडियो बना लिए, तो ये कोर्स ला रहे हैं इसका भी कुछ दिन के बाद, मैं बना ही रहा हूँ इसके ऊपर, जो भी देख सकते हैं अभी बना ही रहा हूँ फिलहाल, बग बाउंटी के ऊपर क्लाउड साइज जिसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इजी वे में समझेंगे इसको, तो ला रहा हूँ आप लोग बाई कीजिएगा। इसका प्राइस मैंने सोचा कि 699 रखूँ, ठीक है, क्योंकि सब लोग ज्वाइन कर सके बग बाउंटी को, और बग निकाल सकते हैं, बग बाउंटी से पैसा खुद बहुत पैसा कमा सकते हैं, लाइक एग्जांपल में दिखा सकते हैं हर बग PUN, मैंने बहुत सारा बग बाउंटी मतलब निकाला एक टाइप से, मैं इंस्टा मोजू में बग बाउंटी प्रोग्राम में होता है, तो बग बाउंटी मैंने इंस्टा मोजू में निकाला, ठीक है, इंस्टा मोजू एक मतलब कि पेमेंट गेटवे, उसमें मैं निकाला था, अपने क्लास प्लस में भी निकाला था जहाँ पे यूज करता हूँ। बग बाउंटी लिस्ट है, ऑल एक्टिव है, बग बाउंटी का पैसा भी मिलता है प्रोग्राम का, लाइक रिवार्ड एक देते हैं, रिवार्ड गूगल भी देता है इसका पैसा, मतलब कि बड़े बड़े देख सकते हैं। लॉन्च इस न्यू बग बाउंटी प्रोग्राम 31 अक्टूबर है, कितने सारे रिवॉर्ड है, सबमिट ब्लॉक मतलब कि एक सबमिट ब्लॉक मतलब कि बग का निकलता है $250 से लेके $15,000 तक मिल सकता है, और क्रॉस साइट का रिवॉर्ड कितना देख सकते हैं, जो अभी मैंने जस्ट निकाल के दिखाया, क्रॉस एक्सेस का रिवॉर्ड देख सकते हैं, बग बाउंटी एक्सेस रिवॉर्ड मिल जाता दी जाएगा देख सकते हैं। गूगल में निकाला गया 2 साल पहले तो 1.2 मिलियन निकला था, गूगल पेड कितना मिला 1.2 मिलियन, मिलियन समझ सकते, डॉलर है। गूगल अवार्ड 1.2 मिलियन इन बाउंटी जस्ट फॉर एक्सेस बग्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को, जो मैंने अभी जस्ट बताया एक्सेस निकालना वही चीज़ है, कौन निकाला आप देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, गूगल में निकालने का यही चीज़ होता है, ढूंढना पड़ता है। आप गूगल पे पूरा ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं निकालिए, गूगल का बहुत सारा वो है, सब डोमेन है, सब डोमेन पे ज़्यादा बग निकलता है, गूगल का ऑफिशियल वेबसाइट पे निकलता है। सब डोमेन कैसे पता कर सकते हैं, वायरस टोटल डालिए, वायरस टोटल वहाँ से सब डोमेन पता कर सकते हैं कोई भी चीज़ का, कोई भी वेबसाइट का, जैसे वायरस टोटल पे गए गूगल का सब डोमेन जानना है कि गूगल का सब डोमेन क्या है, तो सिंपल सा सब डोमेन पे डालना है, तो यहाँ पे URL पे क्लिक कीजिए और गूगल का डाल दीजिए google.com इंटर, तो यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा, सब डोमेन अभी दिखा देगा आप लोगों को, और यहाँ पे डिटेक्शन देखना है, यहाँ पे गूगल में कुछ है कि नहीं, कि वायरस है कि नहीं, हम लोग को सब डोमेन देखना है, सिंपल है, डिटेल्स में जाइए तो यहाँ पे दिखा रहा है HTTP दिखा रहा है, यहाँ पे फाइंड यूआरएल सर्वर IP दिखा रहा है, इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं google.com को, सॉरी वायरस टोटल को, google.com भी कर सकते थे फिलहाल, यहाँ पे आपको सब डोमेन दिखा दे कहाँ पे दिखता है, लिंक्स में गया, कम्युनिटी में गया, एक सब डोमेन गया, एक डिटेल्स में मैंने गया, सब डोमेन यहीं पे दिखता है फिलहाल,
यार google.com यार, एक मिनट कुछ मिस्टेक हो गया है, इसे सब डोमेन लिख रहा है। www.google.com स्पेलिंग फिर मिस्टेक हो गया। सब डोमेन पता है क्या होता है? गूगल सब डोमेन क्या नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं आप, दिख रहा है सही है, आप दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये सारा कुछ निकालना सिखा दिया आप लोगों को, याद होगा ए रिकॉर्ड लास्ट डिनर्स रिकॉर्ड, HTTP सर्टिफिकेट दिया हुआ है क्या है, हु इज लुकअप पे उसका नाम लिखा हुआ गूगल का देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, गूगल का रिजल्ट दिया हुआ है, सब डोमेन यहीं पे होगा, फिर सब डोमेन गायब हो गया। गजब है, कर लीजिए सर, पहले तो सही से काम करता था, यहीं पे सब डोमेन था ना, ये रहा सब डोमेन गूगल का, ये रहा सब डोमेन है ना, देख सकते हैं कितने सारे सब डोमेन, आप क्लिक करेंगे बहुत सारे सब डोमेन आ जाएंगे, लाइक मैं दिखा देता हूँ, सबका अपना अलग अलग सब डोमेन है, इसके ऊपर आप अटैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, गूगल का सब डोमेन हैक, एक सब डोमेन मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, लाइक कौन सा ओपन करूँ, इसको सब डोमेन को पेस्ट किया, ये फिलहाल वर्किंग में नहीं है, ठीक है, इसे सब डोमेन निकाल सकते हैं, मेरा भी सब डोमेन, सबके वेबसाइट का अलग अलग सब डोमेन होता है, तो हम एग्जांपल में लाइक गूगल कहाँ गया, गूगल पे लिखे थे ये चीज़, पैसा निकला था 1.2 मिलियन निकला था, क्या चीज़ पे निकला था देख सकते हैं, ओरिजिनल वेबसाइट पे निकला था कि सब डोमेन पे निकला था, ये पढ़ लेते हैं हम लोग को, बक राउ से मिला था उसको वो मेरी अवार्ड मिला था, तो मिला क्या चीज़ पे था, चलिए इसको बैक करते हैं, सब डोमेन का देख सकते हैं प्राइस, बग बाउंटी सब डोमेन रिवॉर्ड गूगल सब डोमेन रिवॉर्ड, तो ये नहीं चाहिए भाई, हर पे मिलता है, थे कि आप समझ लीजिए, ये लिखा हुआ था मतलब सब डोमेन इसका नीचे होगा ना, सब डोमेन यही होता है कि सबका अपना अलग अलग वेबसाइट का अपना अपना डोमेन होता है, मेरा भी है, भगवान इसको अटैक कर सकते हैं, क्योंकि मान के चलिए आपका घर है, एग्जांपल लेता है, घर है, घर का मेन दरवाज़ा होता है जहाँ पे सब आदमी इंटरेस्ट करता आता जाता है, एक पीछे वाला दरवाज़ा ना होता आपके पास घर में जो पीछे से भी आ सकते हैं, लेकिन मान के चलिए आपका एक कैसे एक बैंक है, बैंक में सबसे मेन दरवाज़ा पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें हर टाइप का सिक्योरिटी लगा के रखते हैं कि कोई घुसे नहीं इसके अंदर, अब पीछे वाला सिक्योरिटी को हम भूल ही जाते हैं, ठीक है, उसी टाइप से मतलब इसमें भी होता है, बड़े बड़े सब डोमेन देख सकते हैं, गूगल का निकाल के रखा हुआ, गूगल का सब डोमेन ये सारा, ठीक है, तो छोटे मोटे जो पीछे के होते हैं तो उसको दरवाज़ा को मतलब कि सिक्योर करना भूल ही जाते हैं, या सिक्योर सही से होता नहीं है, उसको उतना ध्यान नहीं देते हैं सब लोग, जैसे मैं भी नहीं देता, कोई भी नहीं देता है, कोई भी चीज़ सबसे पहला चीज़ को ध्यान देता है, सेकेंड चीज़ को ध्यान नहीं देता है, वही चीज़ है, बैकअप पीछे वाले दरवाजे को ध्यान नहीं देते हैं, तो इसी तरह से गूगल बहुत सारे वेबसाइट ध्यान नहीं देते हैं, आप पैसा निकाल सकते हैं उसके ऊपर और बग को रिपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी बग रिपोर्ट, आप कोई भी चीज़ को रिपोर्ट करने का दिखा देते हैं कैसे रिपोर्ट करते हैं, वैसे तो मैंने बहुत कुछ रिपोर्ट भी करना सिखाया हूँ वीडियो में, जब लाऊंगा कोर्स तो जैसे मैं दिखाता हूँ, लाइक आपको रिपोर्ट करना, लाइक आपको कोई भी वेबसाइट का रिपोर्ट करना है, मैं इनके चलिए गूगल का दिखाता हूँ, गूगल का दिखाता हूँ, गूगल बग रिपोर्ट प्रोग्राम, बग रिपोर्ट ये इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे सिक्योरिटी बग रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए, आ गया, अब यहाँ पे यही है रिपोर्ट का बोलने वाला है, क्या रिपोर्ट है आप यहाँ पर डाल सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं, या आप कोई और वेबसाइट का ढूंढना है, मान के चलिए फेसबुक का ढूंढना है तो सिंपल सा फेसबुक लगा दीजिए इसका, और फेसबुक का जो ऐप रहता है यूज करते हैं उसमें भी रहता है फेसबुक बग रिपोर्ट, ठीक है, प्लेटफॉर्म बग रिपोर्ट फॉर फेसबुक फॉर डेवलपर्स, सिंपल सा बात है, यहाँ पे जाके रिपोर्ट है बग पे क्लिक करना है आपको और रिपोर्ट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे अपना मेल, यहाँ पे सब लिखा हुआ है उसके बारे में, गो टू कम्युनिटी है कैसे क्या है और कौन सा बग है उसके बारे में बात करके रिपोर्ट कर सकते हैं, लाइक मेरा खुल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इस तरह के ऊपर बताया, मेल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, उसको नेक्स्ट करूँगा फिर कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूँ सब कुछ, कितने लोग बचे हैं आप, 13 लोग हैं, सब चले गए, बोर हो गए क्या आप लोग, तो वही बोलना जो जो पढ़ा रहे हैं वो सब कीजिए, और कुछ ही का क्वेश्चन था कि भाई पुराना वीडियो बहुत रखे हो, मतलब रखे हो लाइक एक टाइप से जो वर्किंग में नहीं है, देखो वर्किंग में बहुत सारा वीडियो नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए सूरज रखा, सूरज तुम्हारा ही है,
कि भाई उसमें आइडिया हो जाता है कि कैसे काम कर रहा है। मान के चलिए एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस मैंने बताया, स्टेप वन ऐसे काम करना है, स्टेप टू ऐसे काम करना है, स्टेप थ्री काम करना है ऐसे, तो लेकिन वो वर्किंग में नहीं है। तो मैंने इसको इसलिए हटाया नहीं क्योंकि वो आइडिया हो गया कि इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। फिलहाल वो वर्किंग में नहीं है, तो मैं वर्किंग में नहीं है तो मैं इसको लिख देगा, लिख देता हूँ कि उसमें वर्किंग में नहीं है। जैसे मैंने बहुत सारे मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ, लाइक 360 में कोर्स में गया, एडवांस वाले कोर्स में गया, एडवांस फिशिंग अटैक कोर्स में, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा भी यहाँ पे, एक मिनट, इसमें नहीं है, इसमें लिखा होगा, हाँ एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ, हाउ टू हैकर बिकम हैकर, हाउ टू हैक फेसबुक ट्विटर, सो नहीं हो रहा, मैंने लिखा था इसमें नीचे लिखा था यहाँ पे कि दिस वीडियो इज़ नॉट वर्किंग करंटली, आप इसको वो कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा था मैंने, अभी गायब हो गया पता नहीं क्यों, जो भी है इस तरह से लिखा था यहाँ पे, लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कि ओनली नॉलेज पर्पज से यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह से वहाँ पर लिखा था, ठीक है, मैं लिख दूंगा फिलहाल। इस वीडियो को देख के आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग में नहीं है वीडियो, ठीक है। आप अलग से आइडिया ले सकते हैं एक टाइप से, अलग अलग टूल, अलग स्क्रिप्ट, मैं बहुत सारे स्क्रिप्ट दूंगा आप लोग को एक टाइप से, बड़े बड़े गेटअप का ढूंढ का दूंगा आपको, यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, फिर सारी क्लास में करेंगे। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, आर ई एस 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 सर, इंस्टाग्राम के बारे में बताइए दीजिए, आपने बोला था लाइव क्लास में, क्या इंस्टाग्राम पर पूछना है सर, प्लीज़ प्राइस थोड़ा कम रखिए ना, 699 रखें, ओनली 699 कोई भी कर सकता है, क्योंकि सपोर्ट भी देना पड़ता है। देखिए आजकल कोर्स सब जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, हर जगह कोर्स प्रोवाइड हो रहा है, सपोर्ट कहीं नहीं प्रोवाइड हो रहा है, दिक्कत ये देख रहे हैं, ठीक है। आपको 10 मिनट में आंसर मिल जाता है जो भी चीज़ का, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, और मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे ही देता हूँ सर। प्राइस टेल क्लास ऑन गूगल डॉक, गूगल डॉक्स के बारे में मैंने बताया, इन्फॉर्मेशन एडिट क्लास में आप जाके देख सकते हैं, पूरा मैंने बताया। बैकडोर के बारे में मैंने बताया, ठीक है, बूफर टैग कैसे वर्क नहीं कर रहा है इंस्टाग्राम वाला, देखो टेक्निकल अटारी मैंने इसी के ऊपर मैंने बात किया, बहुत सारे स्क्रिप्ट मैं प्रोवाइड करूँगा, और ढूंढिए आप खुद स्क्रिप्ट ढूंढिए, नए नए स्क्रिप्ट, ठीक है, वो मालूम पड़ जाएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का इसके ऊपर लाऊंगा, ठीक है सर। स्पाई नोट भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, दूंगा भाई, स्पाइन नोट सब कुछ के दूंगा, पहले सिस्टम है कि जब कंप्लीट हो जाए मैं सब कुछ दूंगा एक साथ, ठीक है। एक चीज़ मैं बताइए, आप लोग बग बाउंटी में लॉन्च करूँ या छोड़ दूँ, बताइए आप लोग खुद सर। बग बाउंटी में कोडिंग भी रहा था, क्योंकि फिर डिमांड हुआ तो ही ज्वाइन कर लाऊंगा, फिर डिमांड नहीं हुआ एक दो स्टूडेंट के लिए नहीं लाऊंगा, नहीं ला पाऊंगा फिलहाल, जो भी है बताइए। अनाउंस करो सर बग बाउंटी करेंगे, यस हाँ लॉन्च करेंगे फिलहाल, मैं अभी सोचा नहीं, पहले मैंने सोचा कि जल्दी मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ ये सारी चीज़ को, लाइक 365 डेज जो कोर्स मैं लाया हूँ उसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर साथ में वो भी करूँगा, क्योंकि पहले एक तो कंप्लीट कर लूँगा, इसलिए मैंने मेरे स्पर पे दो दिन के अंदर पूरा डाल दिया। हाँ सर, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, सब बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। HTML का नॉलेज होना चाहिए, जावा का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आज इतना भी चीज़ बताया गया आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा भी तो आया होगा 0% भी, जाके ट्राई कीजिए स्क्रिप्ट डाल के देखिए काम करते कि नहीं। वेबसाइट नाम है टेस्ट लिखिए गूगल पे, क्या टेस्ट php.vulnerable.com, सिंपल सा वेबसाइट मिल जाएगा, ये वल्नरेबल वेबसाइट है टेस्टिंग के लिए है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ, दिस इज़ नॉट ए रियल शॉप, नहीं है, दिस इज एग्जांपल PHP एप्लीकेशन, पढ़ सकते हैं वल्नरेबल है जिसको हम लोग अटैक कर सकते हैं, अपना टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ टेस्ट फॉर यू, ठीक है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग CSRF कर सकते हैं, SQL इंजेक्शन कर सकते हैं इसके ऊपर, सब कुछ अपना टेस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट बहुत सारा वल्नरेबल है इसमें। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बहुत देर हो गया, 54 मिनट हो ही गया, लगातार मैं बोल रहा हूँ 54 मिनट से, सब कुछ इसको मैं काट देता हूँ, तो इन करते हैं क्लास को, क्या चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।